بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على دائهم أجمعين خمسة أهم بها خمس هدية بخمس هي هدية بخمس هم أهم بها سكيك هدية بخمس هو غير और रिश अली महजिया ने हमसे कहा कि मुतल फायदा पर खम्स है और क्योंकि फवाद में से हो गया इस पर ख़म्स होगा कुछ आगे ने कहा है कि इस पे खम्स नहीं होगा दिए पे खम्स नहीं होगा वो जो कहते हैं कि हादिया पे खम्स नहीं है वो क्या कहते हैं ये फायदा नहीं है हादिया फायदा तो है आज हम इस पे भी बहस करेंगे इर्स में कुछ लोग आगे कहते हैं कि इर्स जो, पर जो खम्स नहीं है वो इसलिए नहीं है कि फ़ायदा फाइद, नहीं है वहां तो अभी बहस करेंगे कि इर्स फायदा है या फायदा नहीं है ये लेकिन जो हदिया है वो तो फ़ायदा है फायदा होने के बावजूद क्यों हदिया पे खम्स नहीं है जो आगे कल नहीं है वो ये कहते हैं कि खम्स मुजरद फायदे पे नहीं है वो फायदा जिसे कस्ब किया गया हो तकसुप जिसमें हो उसमें क्या है खुम्स है यहाँ हदिया क्योंकि कस्प नहीं करता कोई इसे कमाता नहीं है ये मजानी आपको मिल जाता है थी? या आप गुजर रहे हैं या आप किसी दोस्त के पास गए कोई दोस्त साहब के पास आए वो लाके आपको उसने हदिया दे दिया इसमें तो कोई कस्ब नहीं है ठीक और होम्स के लिए जो चीज शर्त है वो क्या है आपने कस किया यहाँ हम एक तो यह है यह अपना ही बहस है कि भाई कसब ज़रूरी नहीं ये आप कहाँ से लेके आएँ कि तकसप जरूरी है और फ़ायदा गनीमत और अन जो गनीमत पर परम्स कर रहा है और गनीमत से मुराद ये फवाद हैं जो आपको हासिल हो रहा है उसमें से बारिश मस्ताकबारी है इसको आप कैसे खारिज कर रहे हैं सान्या अगर आप कहें तकसप जरूरी है कस्ब जरूरी है तो हदिया भी आप कबूल करते हैं तो आपका होता है अगर आप हदिया कबूल ना करें तो हदिया आपका नहीं होता ठीक बहुत से लोग हदिया लेके आते हैं मखसूस अगर किसी का कोई काम फंसा हुआ हो आपसे और वो हदिया लेके आए तो उसका हदिया कबूल ना करें इसलिए इसलिए वो हदिया जब आपने कबूल किया तो आपके जहन पे खुद ब खुद थोड़ा सा असर आ जाता है या इसको फेवर होनी चाहिए वैसी हदाया दिया करें जिसको रिश्वत देनी उसके अलावा अभी तो लेने की बात कर रहा हूँ मैं आपको देने की बात कर फर्ज करें आप हैं आपके नजदीक इस दस रुपये के के कोई की को देता है वो भी आप पे असर गुजार होता है उससे भी मोहब्बत बढ़ती है ये ना। ये दस बीस रुपए का वो है ना इसकी तो मालियत है ये ना? कोई कितना ही बड़ा हो जो मर्जी हो वो गुजर हो आप उसको एक मुस्कुराहट दे दे असर करता है नहीं करता इसकी तो कोई कीमत नहीं उस पर असर करता है आप उसको एक सलाम दे दे असर करता है एक तो सलाम का रिवाज बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं है हमारे माशरे में कुछ जगहों पे है कुछ जगहों पे नहीं है और हम जब इधर दिन पर आते हैं तो हम अपने उसी जो फरहंग फरहंगत है उसी को लेके आते हैं। उस तरह सलाम नहीं करते या मुंतजर रहते हैं कि वो छोटा सलाम करेगा शागिद सलाम करेगा ये पता नहीं फलान सलाम करेगा मैं तो सिर्फ मैं तो आलिम हूँ मैं तो बड़ा हूँ मैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए वो भी जवाब भी सही जवाब ना दें भाई आप आलिम हो तो सलाम में आप पहल करो थी? हदिया दो हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है ठीक ये नहीं कहो कि ये इसके इस हदिया की क्या अहमियत है ठीक तो ये हमें आपसे इसलिए नहीं कह रहे कि अगली दफ़ा आप जब घरों से आए तो हदाया ले लेके आए जो भी है, आपके पास वहाँ पे कोई गंदुम है सेब है आम है जो भी है ठीक लेकिन ये हदाया का असर आपको आपसे पहल करना पड़ेगा आपको पहल करना पड़ेगा ठीक है आप हमसे पहल करें पहले ला के दे दें हमें ठीक है ना हाँ तो जो ऐसे वकील होते हैं उनको तो बिल्कुल हदिया नहीं देना चाहिए <laughs> जिनको समझाया जा रहा हो कि आप हधिया दें उन्हें समझ में आ रहा हो कि आप हदिया लें ठीक तो है ना तो वो वही है कि एक आदमी ढूंढ रहा डूब रहा था उससे कहा कि हाथ दे दो ठीक है तो वो नहीं दे रहा था वकील था ठीक है ना दूसरे ने कहा यार को हाथ ले लो तो लेगा अपनी जान बच रही हो तब भी ठीक है यहाँ आपको हदिया मिलने की राह बता रहा था मैं <laughs> आपको हदिया कैसे मिलेगा ठीक आपने उस राह को मसूद कर दिया छोड़ें उसको मजाक कर रहे थे आप भी मजाक कर रहे थे हम भी मजाक कर रहे थे ठीक हदिया तकसुब पर आपका कबूल तकसब है कसम है आपने ये कस हदिया किया किस तरह कबूल करके ठीक अगर वो मबना हो उस मबना पर भी हदये पर खम्स क्या हो जाता है वाजिब हो जाता है ठीक लोगों ने कहा है कि अहवत यह है एहतियात ये है कि हदाया पर खम्स हो क्यों इन्हीं मुश्किल की वजह से ना या वो जो रिवायात और जो हम अभी बहस कर चुके हैं उनका कल के वहां से पिछले दिनों के दोहराते दौरा, नहीं उन बुनियादों पर उन्होंने कहा अहवत यह है कि ये बनता तो नहीं है यहाँ पे खुम्स एहतियात का तकाजा यह है।, है कि आप हदया पर भी खुम्स दे दें दरहाली दे। दार, के अहवद क्या है अहवद ये है कि हदिये पर ख़ुम्स देने के लिए आप साल का इंतज़ार भी ना करें और उन्हें सना को भी खारिज ना करें यह अहवद है यह अहवद नहीं है कि खुम्स दे दो हदिये पर अहवद यह है कि इसको उन्हें इससे उन्हें सना भी खारिज ना करो जैसे मिला है वैसे खुफ दे दो ये भी किस तरह है मादन की तरह है गनीमत की तरह है मादन की तरह है गोश की तरह जिस ओस तो जो है वो आपको जैसे मिलता है आपने मोने से ना निकाले बगैर उतर देना होता है हदीया भी क्या है उन्हीं में से है ठीक हाँ उसके बाद अगला मसला जो साहब और वह बयान फरमाते हैं वो ये है कि अगर किसी ने वसीयत की हो ठीक आपको एक माल किसी की वसीयत के नतीजे में मिले आप मुसाबे आपको मिल जाए कोई शख्स मरहूम हो रहा था उसने वसीयत किया कि मेरे माल में से इतना जो है वो अगर अयास को दे दो ताकि खुश हो जाए वो मिसालों में ही खुश रहें तो ये दे दो दोज को मेरे माल में से इतना अब ये जो माल जिसका मुसा लह इनको मिला है और ये हुआ मुसाबे इनको जो मिला है इस पे खुम्स है या खम्स नहीं है इस पे खुम्स है अला जमीबानी ठीक है ना यहाँ पर आपको एक माल मिला है मनफान मिली है ठीक है ना ये बहुत हुआ हिबा की तरह है हदिया की तरह है ठीक है और एक तम तमली के मजानी है इस पे आपको क्या हो जाएगा आप पे खुम वाजिब हो जाएगा ये जो वसीयत हुई है ये वसीयत दो तरह से हो सकती है एक वसीयत अहदिया हो सकती है एक वसीयत तमलीखिया हो सकती है वसीयत अहदिया क्या है कि वो अपने वारिस से कह के जाए कि मेरे मरने के बाद फलान को सो दिनार दे देना ठीक ये वो तमलीक नहीं कर रहा ये वो अहद ले रहा है वारिस से कि मेरे मरने के बाद मेरे सुल्स में से इसको जो है इतना दे देना ताकि उसको वसीयत नाफिज भी हो ठीक हो ये क्या है वसीयत हदिया हिबा है हदिया है तमली के मजानी है ये और ये उसे फायदा हासिल हुआ है बे देन जो मुसल्ला है वो अगर इसको कबूल करेगा तो ये उसका होगा ना जैसे हमने हदिया में नहीं कहा था हदिया कबूल करना किसका काम है जिसको हदिया दिया जा रहा है ठीक है ना अगर वो कबूल ना करे तो उसका हो जाएगा नहीं होगा उस पर हो आएगा, नहीं आएगा थी? ये कस कर रहा है, हदिये को भी। पर भी ये फायदा है और ये फायदा उसको इख्तियार और कस से मिला है अख्तियार और कस क्या है वो रद्द नहीं कर रहा थी? उसका वारिश लाके उसको दे दे के मेरे बाप ने वसीयत की थी इसलिए यह आप ले लें आपने उनकी बहुत अच्छी खिदमत की थी थी की थी दुआ की थी फलान किया था जो मर्जी है और हमने कहा कि सही है ये आ, अली अपने महजियार में क्या है मुतल फायदे पर नल गना इमो वल्फ वायद फहील गनीम ठीक है यगन मोहल मर ओ वलफादा युफी दोजाइजा तो मिनल इंसानी

तो जिद बहरहाल एक होती है ना तो उसने की और उसने उसके पैसे अच्छा आपकी आवाज कट रही है आप कह रहे हैं कबूल और है कस्ब और है इसलिए कस्ब में कोशिश शर्त है यही कह रहे हैं ना जी सर हाँ ठीक है अच्छा कस्ब में कोशिश शर्त है आपने एक दरख्त लगाया ठीक वो दरख्त आपको बगैर किसी कोशिश के अब तीस साल चालीस साल फल देता जा रहा है ये है या नहीं है, है ये, ये इसमें कोशिश नहीं है आप कहेंगे नहीं जी वो जो बीज लगाया था ना जो पौधा लगाया था वो, उस उसकी वजह से ये तीस साल तक कस्ब है ना इस कस्ब में कोशिश है वो कोशिश क्या है आपने वो पौधा लगाया है उसको पानी लगाया है उसको गोडी किया है उसकी खिदमत किया है फलान किया सब कुछ किया है इसलिए वो है वो उसके साथ एक दरख्त आपने लगाया था चार दर निकल आए फल की मिसाल दे रहे हैं लकड़ी की मिसाल ले रहे उसमें आपको वो कुछ भी नहीं करना होता आपकी जमीन है उसमें दरख्त निकल आए पे। उन दरख्तों पे है या नहीं है, है? वो कस है या नहीं है जी दरख्तों पर तो है। है? आपने कोई सहमत नहीं की है सब सहमत की भी किस्में है ना मतलब पे आपको, हर जगह पे तो टाइम नहीं लगाना होता ना यानी हमने यही कहा वो दरख्त खुद रोह है आपने कुछ भी नहीं किया वो है वो खुदरो दरख्त हैं, खुद से पैदा हुए हैं हमने पहले मिसाल आपको दी थी जिसमें आपने दरख्त लगाया था हमने कहा यही आपका आप चालीस साल तक खाएंगे और कहेंगे कि मेरा कस फैसले कि दरख्त मैंने लगाया है हमने फल से निकाल के हमने आम दरख्त पे ले है आम दरख्त पे लगाएगा ये आम दरख्त पे खुद्रो है है ना इसमें हमने कुछ भी नहीं किया काटा भी नहीं आपने दरख्त बेच दिया

नहीं नहीं कोई देखभाल नहीं है आपने मुड़ के नहीं देखा अपनी जिंदगी में आपको पता भी नहीं था ये ना कोई देखभाल नहीं करनी पड़े जंगल बहुत से जंगल ऐसे हैं जहां आपको कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती दरख्त खुद ही उगते रहते हैं ये? आप देखभाल करते तो आपका वो दरख्त दस लाख का जाता अभी आपने देखभाल नहीं किया वो दरख्त एक लाख का जा रहा है एक लाख पे खुमसा या नहीं है न में ये कहीं पे भी नहीं है अभी आपके ने फ्रेंचाइज दे दिया थे? आपने कोई ब्रांड बना लिया आपने फ्रेंचाइज दे दिया आपको पता भी नहीं है ये जो बदब् यहाँ पूरा इसराइल जो यहूदी खुदा इन्हें नद करे ये जो लूट रहे हैं इनके जो यहाँ पे फ्रेंचाइज चल रहे हैं उसको तो पता भी नहीं है उस बदब्त को जो इतना पैसा उसको मिल रहा है इस फ्रेंचाइज का कि ये यहाँ इस्लामाबाद में भी इसके हैं और पता लाहौर में भी हैं उसको ना इस्लामाबाद पता है ना लाहौर पता है अगर वो पता होता तो पे गुजरावाला में गुजरात में फलाने उसको पता ही नहीं है क्या है गुजरात कहाँ है गुजरावाला कहाँ है ए तो ऐसे बदबाक है इनको पता ही नहीं है पाकिस्तान कहाँ है लेकिन यहां से उनको पैसे आ रहे हैं कस्फ है नहीं है ठीक है ना तो कस में ये कहीं नहीं है कि अगर आपने पसीना बहाया है तो कस है वही जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी लोग कहेंगे ये कहाँ का कस है ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ के पता नहीं जो बातें कर रहा होता है कोई तो किताब पढ़ रहा होता है इसका कहाँ पसीना बहा है इसको क्यों पैसे दें अच्छा अगर एक एक और चीज थी कि जो जो की जाती है या जो हदिया दिया जाता है उसके पीछे भी कोई ना तो मौजूद होती है अब जो है वो किसी ना किसी वजह से दिया जाता है या वसीयत किसी वजह से की जाती है यानी बगैर किसी वजह के बगैर किसी रीजन के कोई ना कोई कोशिश किसी जीज़न किसी हद तक तो मौजूद ही है तो वो फिर उस कोशिश के अगेंस्ट कसम तो वो भी हो जाता है नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे एक आदमी को आप पे लिल्ला प्यार आ गया जी जनाब ने कुछ आना आपने उसके लिए किया आपने उसके साथ बुरा किया ये वो खुदातार से वो कहता है यार इसको दे दो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि आपके यहाँ अगर आपने कुछ किया हो तो आपको हदिया दिया जा सकता है वह इला हदिया नहीं दिया जा सकता बिल्कुल कोई वो नहीं है यानी हदिये में ये शर्त नहीं है कि आपने कुछ किया होगा तो आप हदिया लेने के अहल हैं वह आप हदिया लेने के अहल नहीं है आपने कोई नाज दिखाया है तो आपको कोई हदिया मिला है ये ये चीजें हदिये में शर्त नहीं है आप अभी आप, आप जानन इल्लत के अफयाज को हदिया दे सकते हैं क्या होगा तो सब हराम हो जाएगा ठीक है ना कोई कहेगा कि इसमें क्या इल्लत है फलान है वो आप अगर इल्लत तो कर करें तो फिर हदिया नहीं होगा एवज हो जाएगा ठीक है ना वो उजरत हो जाएगी ना आप कहेंगे ये इसके बदले में दे रहा हूँ तो वो हदिया नहीं रहा हदये कहते ही उसको जो बगैर किसी चीज़ के दिया जाए बगैर किसी सबब के बगैर किसी किसीत के बगैर किसी जहमत के उसने कुछ किया नहीं है लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो हदिया देने वाले का अमल किसी वजह से भी हो सकता है लेने वाले का फिर भी अख्तियार है लेने वाला उसे कबूल करे या उसे कबूल न करे कबूल करना था है कसब में जहमत चाहिए नहीं चाहिए वही बहुत से कासबी ऐसी हैं जिसपे कोई जहमत नहीं है पता भी नहीं है और वो आ रहा है वो आ रहा है वो आपका है उस पेम्स भी है ठीक ये बात हमारी वहाँ से आई थी कि हम हदिया पेकोम्स नहीं है इसलिए कि ये इकतसाब नहीं है और के लिए इकतसाब शर्त है हम अवला इसको नहीं मानते हम्स के लिए फ़ायदा शर्त है इकतसाब शर्त नहीं है भी और हदीस भी जो चीज़ शर्त करती है वो क्या है फ़ायदा है फायदा हुआ है या नहीं हुआ हदियत से फायदा हुआ है है ना वहां जो वसीयत की थी उसने वो वसीयत अहदिया हो यानी वो अपने वसा से कह के जा रहा हो वो खुद नहीं दे रहा वो सिर्फ उनको उनसे आहद ले रहा है उनको ऑर्डर कर रहा है कि मेरे जा मरने के बाद ये माल उसको दे देना दे। वो एक थी दूसरा मसला क्या है वसीयत वसीयत है तमलीखिया है वो खुद दे के जा रहा है कि मेरे मरने के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा सो सौ दिनर तुम्हारा हो जाएगा सिर्फ तमलीक में ही क्या है कि वो मरने के बाद दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा वसीयत हो जाएगा ये तो डायरेक्ट हदिया है सीधा हदिया है। हदिया पे खुम्स था जब हदिया पे खुम्स था हम अपने उस पर जब बात करें हदिया पे खुम्स था तो इस वसीयत पर भी क्या हो जाएगा खम्स हो जाएगा ठीक ये अगर आप इस ये जो तमलीक हुआ है इसे कबूल करना कबूल ना करना आपके ऊपर है ठीक जब कबूल करना आपके ऊपर है तो आया आप पे कबूल करना वाजिब है श्यविता? आप पे कबूल करना वाजिब नहीं जिस तरह कबूल इकतसाब है लेकिन ये इकतसाब आप पे वाजिब है नहीं इकतसाब वाजिब नहीं है जिस तरह हज के लिए इस्ता शर्त है इस्तात के लिए भी कब इस जब आप कमाएंगे आप कहें अब तुम पे कमाना वाजिब है पढ़ाई छोड़ो जाओ काम करो ताकि हज कर सको नहीं भाई इकत वाजिब नहीं अगर हासिल हो गया मुझ पर आज वाजिब होगा हो लेकिन कमाना मुझ पर वाजिब नहीं है ठीक है तो यहाँ पर भी ये जो आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है ये व इख्तियार हो रहा है आप कबूल कर रहे हैं ठीक और जो सया अपने महजियार था उसके बुनियाद पर क्या हो गया इस पर खम्स आ गया ठीक हा दूसरा कॉल दूसरा जो है वो क्या है मीरास में है हम इधर वसीयत से आ गए ना वो मुसाब मुसा जो है उस पर तो खम्स हो गया आया इर्स पर खुम्स है या खम्स नहीं है मीरास में यहाँ पर अकवाल है एक कॉल क्या है आदम खुम्स फिर मीरास मुथलका मीरास में मुतलका खम्स नहीं है इसके मुकाबले में दूसरे दो को आ जाएंगे मीरास में खुम्स है या कोई तफसील आ जाएगी कि मिमा सब है या मिमा ला सब है ठीक तो ये जो कहते हैं कि मीरास में खुम्स नहीं है मुतलका जिस मर्जी से अपने बाप से मिले या दूर के किसी रिश्तेदार से जिसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं पता ही नहीं है उससे मिल जाए ठीक तो वो कहते हैं कि आपसे हमारी अभी बात हो रही थी आपने कहा कि कस पर तो नहीं है कस शर्त नहीं है शर्त क्या है फायदा है फायदा हो तो खुम्स है इर्ष तो फायदा नहीं है ना इर्ष तो नुकसान है भाई बाप गया है थी? जो इर्ष आया है वो पैसा बाप का था बाप का पैसा बाप का घर बाप की गाड़ी बाप के होते भी इसका था ये उसी घर में रह रहा है उन्हीं तमाम चीजों से फायदा भी उठा रहा है बाप के जाने से नुकसान हुआ है कोई फायदा नहीं हुआ है थे? इसका कोई फायदा हो तो खुमस था आपने इकतसाब नहीं माना हम आपके साथ हैं यहाँ इकतिसाब नहीं है ये ना आपने का फायदा चले जी यहाँ फायदा भी नहीं है जब फायदा नहीं है तो फिर क्या है कौन भी नहीं है। जवाब क्या है जवाब फायदा तो है भाई वो जो आपका मरहूम गया है वो आपके लिए नुकसान है वो अलग बात है उसका ताल्लुक क्या क्या है जो मरहूम गया वो नुकसान है लेकिन जो माल मिला वो फायदा है ते, आप उस घर में पहले रह सकते थे बेच नहीं सकते थे ते, आप उस घर को आपकी नजर थी कि भाई ये घर है पुराना है फलान है मैं इसके इतने बड़े घर में रहने के बजाय मैं छोटे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा इसे मैं बिजनेस में इससे बिजनेस करूंगा यहां कोई प्लाजा बनाऊंगा बाप बनाने देता था नहीं बनाने देता था ठीक अब वो चला गया अब ये माल आपके पास आया ये फायदा है या नहीं आपका अख्तियार हो गया पहले रह सकते थे अब आप आपका उस पर अख्तियार आ गया ठीक बस ये ये जो माल आ रहा है ये माल फायदा है ठीक पहले आपके साथ बाकी शरीक थे आपका भी घर था दूसरे का भी था ठीक है ना शिरकत की वजह से बहुत से काम आप नहीं कर सकते थे अब क्या हुआ अब आपको जो अपना हिस्सा मिला है उसमें कोई शरीक नहीं है आपके लिए फायदा है फिर आप जो अभी कह रहे हैं कि इस में फायदा नहीं है क्यों फायदा नहीं है इसलिए कि वो आपका ही था आप पहले भी उसी घर में थे ठीक है ना अगर इर्स दूर से आए तो जो मरहूम है वो जद है जद्दा है उक्त है अख है वहां तो ऐसा नहीं है हाँ तो आ ठीक हाँ बस ये बात जो है वो सही नहीं है कि यहाँ पर इस में खुम्स नहीं है मुतलका क्यों नहीं है इसलिए कि ये फायदा नहीं है इसे हमने रद्द किया ये बात सही नहीं दलील सानी साहब जवाहर देते हैं ठीक है वो फरमाते हैं कि फायदा ये कहना नहीं है, तो है। फायदा तो है लेकिन क्या नहीं है वो कहते हैं लेकिन ये नहीं है। हदिया में उस बात को यहाँ ले आए क्योंकि वजूब दर खुशूश तक है तो, खुम्स है। इर्स में तो कोई कस्ब नहीं है ठीक वाह अब ये जो इनका साहब जवाहिर का कौल है इसको आप कैसे लेते हैं ठीक इसको हम कहते हैं ये तो हम पहले हल कर चुके हैं पहले हमने क्या हल किया है पहले हमने हाल ये किया है कि यहाँ कस्ब को शर्त है ही नहीं वो ज़रात फ़ायदा है और सयाह अली अपने माजियार किस पर है कि फ़ायदा पर है जब फ़ायदा हो गया कसब हो या कसब न हो इस पर क्या होगा होम्स वाजिब होगा चे? तो ये दलील अव्वल फ़ायदा नहीं है वो भी ख़त्म हो गया फ़ायदा है दलील सानी कश्म नहीं है उसका जवाब क्या जरूरी नहीं है कश्म हो चिकस्प हो न हो दोनों सूरत में होम्स होगा बस पहला कौन के होम्स नहीं है इर्स में मुतलका अभी हम इस मुतलका पे हैं ना? इसके लिए जो दलाइल आए थे वो दलाइल सही नहीं है आदमस आदम दर एर्स मुतलका बातिल हो गया ठीक उसके बाद अब जाते हैं तफसील की तरफ जिसे साहब अरो ने भी बयान किया है कि वो एर्स जो है वो एर्स से मख्तसब है आपको उसके इंतजार था या वो मिन हाइसब है ठीक उसके लिए दलील क्या है इस तफसील के लिए यही सही है अली इब्ने महजियार है ना वो जो जाइज मिन الانسان الى الانسان اللاتيه خطر عظيم والميراث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن अगर बेटे से आ रहा है उसका आपको पता है ये ना يحتسب है अगर बाप से आ रहा है يحتسب है अगर जद से आ रहा है या उख से आ रहा है अख से आ रहा है वो क्या है ला युहतासब है ये अगर ला युहतासब है तो फिर खम्स है लेकिन अगर अब और इब्न से आ रहा है तो फिर खम्स नहीं है इसको फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आलि الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد